है कि चने की सब्जी, जिसकी की रेसिपी मैं आगे नहीं पीछे शूट कर रही हूँ, मतलब इसके बाद जो है वो रेसिपी आपसे शेयर करती हूँ। और मैं यहाँ से इतना दूर से बैठ के बोल रही हूँ, मेरे पास कोई माइक नहीं कि मैं लगा के बोलूँ, तो बहुत तेज बोल रही हूँ ताकि आप लोग तक आवाज़ जो है वो पहुँचे। और बस ब्लॉग के साथ बने रहिए, आगे क्या होता है क्या नहीं आप लोग को देखने को ज़रूर मिलेगा। और मैंने आज भी मेरी साड़ी वेयर की हुई है, और देखते हैं आज क्या होता है, बने रहिए ब्लॉग के साथ। हाँ तो फ्रेंड्स, चने की सब्ज़ी बनाने के लिए तेल मैंने गरम कर लिया अच्छे से। इसके बाद इसमें जीरे को चटका लेना है, और ये जीरा निकालने के लिए मुझे छोटू सा चम्मच मिल गया था, तो इसी से मैं जीरा अब निकालने लगी हूँ। इसमें मैंने थोड़े से जीरे डाल दिए हैं, और जैसे ही जीरे चटक जाएंगे, लाल हो जाएंगे, तो बाकी इसकी चीज़ों को डालेंगे। यहाँ पर मैंने तेज पत्ता डाल दिया है, 3 तेज पत्ता डाला हुआ है, क्योंकि 3 लोग को खाना है इसीलिए 3 तेज पत्ता यहाँ पर मैंने डाला हुआ है। इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने प्याज, लहसुन, मिर्च और अदरक जो है वो डाल दिया है। इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक हम भून लेंगे। अच्छे से भुनना है कि इसमें बढ़िया सा कलर आ जाए। और इसके बाद इसमें हम मसालों को ऐड करेंगे। ज़्यादा मसाला कोई नहीं पड़ता है, और ये सब्ज़ी खाने में बहुत टेस्टी लगती है, साथ में हेल्दी भी होता है, चना हेल्थ के लिए। तो देखिए, प्याज अच्छे से भुन चुका है। इसके बाद मैंने इसमें ये राजेश का ही मसाला डाला हुआ है, आपका जो भी फेवरेट मसाला हो वो डाल दो। थोड़ा सा पानी डाल दिया ताकि मसाला तले पर चिपके ना। इसके बाद इसमें डाल दिए हल्दी डाली है मैंने। इसके बाद ये धनिया का पाउडर डाल रहा है, थोड़ा धनिया का पाउडर ज़्यादा लगता है, तो धनिया का पाउडर मैं डाल रही हूँ, 3 चम्मच के करीब डाल रही हूँ। वैसे कि देख सकते हो कि चम्मच छोटा है, तो उस छोटे चम्मच से 3 बार मैंने डाला हुआ है। और बस इस मसाले को अच्छे से भून लेना है हमें। मसाले को भून तब जाता है हमारा मसाला जब ऑयल छोड़ देता है, आप लोग को तो पता ही होगा। तो बस जैसे ही मसाले ऑयल छोड़ देंगे, वैसे हम इसमें अपने और भी सारी चीज़ों को ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं नमक भी डाल देती हूँ, और इसमें जो है टमाटर नहीं डालते हैं हम लोग फ्रेंड्स, आप चाहो तो डाल सकते हो, लेकिन हम लोग नहीं डालते हैं टमाटर। बिना टमाटर के ही बहुत यम्मी और टेस्टी बनता है, तो मैं बस नमक भी डाल दिया। और ये देखिए, मसाले अच्छे से भुन चुके हैं, इन्होंने तेल भी छोड़ दिया है ऊपर। बस इसी टाइम पर हम अब इसमें डाल देंगे अपना चना, और साथ में मैंने आलू भी बॉयल किया था उसके, तो वो सब चीज़ भी डाल के अच्छे से मिक्स करके, इसके बाद जितना भी हमें ग्रेवी बनानी है उतनी ग्रेवी बना के बस इसको एक बॉईल आने तक इसको मैंने थोड़ा और भुना था, देखिए 2 मिनट तो, और ये थोड़ा सा तेल और छोड़ दिया है। बस इसमें अब चना और आलू डालेंगे, और एक बॉईल आने तक इसको अच्छे से पका लेंगे। ये देखिए, अब ढक के इसको पका लेते हैं। बस रेडी है हमारा छोले जैसा आलू चना की सब्जी। ब्लॉग में सब लोग कहते हैं कि आपका ये चीज़ बहुत निकल गया है, तो कहते हैं जीजू को ऑयली खाना कम दिया करो, लेकिन आपको ऑयल सोच रहा है कहाँ दौड़ रहे हैं। ए, तुम कहाँ जा रहे हो, यहीं रहो, भागा जा रहा है अपना, जूता पहनेंगे यही पहन के चल दिए। तो
फ्रेंड्स, हेलो। मेरे फेस को माइंड ना करिएगा कि कैसे बन गई हूँ मैं। सो के अभी उठी हुई हूँ क्योंकि मेरा मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा था, तो घर एकदम फैल गया है। मैंने कुछ भी नहीं किया है, सुबह से सारे बर्तन जो हैं वो भी पड़े हुए हैं सिंक में। ये देखिए, पूरा इधर बर्तन फैला है और इधर मैक्स ने पूरा फैला दिया है। कुदर कुदर के कागज़ पता नहीं कहाँ से ले आया है। पूरे कपड़े रखे हैं लपेटने के लिए, तहाने के लिए। और ज़मीन भी बहुत खिसक रही है क्योंकि आज हवाएं काफ़ी चल रही हैं यहाँ पे, तो धूल मिट्टी बहुत आ गया। तो जा रही है सारी चीज़ों को जो है फटाफट से अरेंज करने क्योंकि बहुत गंदा लग रहा है। तो फ्रेंड्स, फटाफट से जो है यहाँ पे मैं अपने सारे बर्तन वगैरह क्लीन कर देती हूँ और शाम को मैं आपको दिखाऊंगी कि मतलब कि राम जी जो है सीता मैया को लेके वापस जाते हैं तो यहाँ पे चौकी निकलती है, तो वो चीज़ मैं आपको दिखाऊंगी। ब्लॉग के साथ बने रहेगा। बहुत ही सुंदर चौकी थी, बहुत ही अच्छा था। बर्तन सारे धुल चुके हैं और मैक्स अपना उधर मस्ती कर रहा है। इसके बाद चलते हैं, कपड़े को तहा देते हैं। इसके बाद जो है सोफ़ा वोफा झाड़ दूँगी, अच्छे से पोछ पाछ दूँगी और इसके बाद झाड़ू लगा के पोछा लगा दूँगी। बस नहीं, काम है, बहुत ज़्यादा काम नहीं है। आज कोई क्लीनिंग वगैरह नहीं कर रही हूँ मैं क्योंकि मन नहीं था बिल्कुल भी मेरा करने का। मेरा सर बहुत दर्द हो रहा था तो इसीलिए मैं नहीं कर रही हूँ। चलिए फटाफट से सारा क्लीनिंग कर लेते हैं, इसके बाद आपको डायरेक्ट दिखाऊंगी वही सीता मैया को ले जाते हुए श्री राम जी की जो बारात जाती है, तो वो देखिएगा। तो फ्रेंड्स, ये देखिए चौकी जो है आ चुकी है और दसवीं के ही अगले दिन यानी कि ग्यारहवीं वाले दिन जो होता है हमारे नैनी का मेला होता है, लेकिन वो नहीं हुआ। कोरोना का प्रोटोकॉल की वजह से कहीं भी इस बार मेला वाला नहीं हुआ है, वरना यहाँ मेला लगता तो बढ़िया से सस्ता सा सब बहुत बढ़िया चहल पहल रहती तो मैं आपको ज़रूर दिखाती, लेकिन वो नहीं हुआ है। लेकिन ये जा रहा है मतलब कि राम जी सीता मैया को रावण जी का वध करने के बाद उनको छुड़ा के ले जाते हैं, तो बस इस तरह से चौकी जो है निकाली जाती है सच धज के। बढ़िया से राम मंडली की चौकी पूरी निकली हुई है, तो आप लोग देखिए, एंजॉय करिए। बहुत अच्छी निकली थी, मुझे तो बहुत पसंद आई। मम्मी भी मेरी कह रही थी बहुत अच्छी निकली है, बहुत अच्छा सजाया गया, तो वही मैंने मम्मी से कहा कि अरे अच्छा सजाया गया था लेकिन उसके लिए चंदा भी तो लिया गया होगा सबसे, तब ना इतना अच्छा सजा हुआ है। और ये देखिए, मेरे हस्बैंड भी इधर थोड़ा थोड़ा दिख रहे होंगे, वो भी खड़े हुए हैं। मैं तो पीछे से शूट कर रही हूँ, जूम करके दिखा रही हूँ, जूम ना करती तो छोटा छोटा दिखता आपको। ये देखिए, पहले गणेश जी जा रहे हैं ये, इसके बाद ये पीछे से ये जा रहा है। ये बारात जैसा एकदम सजाया गया है, बढ़िया सा सुंदर सा। और सबसे लास्ट में पीछे जाएंगे राम जी, सीता मैया और लक्ष्मण जी, तो आप लोग देखिएगा। अभी वानर सेना भी जाएगी, सब देखिएगा, आप लोग बने रहिएगा ब्लॉग में।